कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, गलित दलित का, गरीब का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए हमने कई प्रकार के काम गरीबों के लिए करना किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए ढेर सारे काम किए। मोदी जी ने कई सारे काम किए, और लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सालों तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने दबा दिया, और जब संसद में पेश हुआ, राजीव गांधी ने 2 घंटा भाषण कर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। आज लालू प्रसाद जी वो ही कांग्रेस पार्टी की गोदी में जाकर बैठे हैं, जिन्हें हमेशा ओबीसी का विरोध करने का काम किया। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, सबसे पहले जिलाध्यक्ष श्री कन्हई बाबू को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज सबसे पहले बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम जब जब आए, बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी, 19 में आए 39 दी, और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है। डालोगे क्या? अरे जोर से बोलो, डालोगे क्या? भाई और बहनों, अभी अभी मोदी जी आए थे, 2 लाख करोड़ से ज्यादा विकास की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण देश भर में मोदी जी किए हैं। मगर मैं आज मोदी जी को समग्र बिहार की जनता की ओर से एक विशेष बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एंड लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हत्याने का काम, गरीबों की भूमि हत्याने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमिटी गठन करेगी जिन जिन्होंने गरीबी के गरीबों की भूमि कब्जाई है इसके लिए एक कमिटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। लालू जी आप कितना भी कर दो आप इस प्रदेश के बिहार जैसे प्रदेश के पिछड़ा अति पिछड़ा को बरगला नहीं सकते। मित्रों आपने मोदी जी को दो टर्म शासन करने का मौका दिया। मोदी जी ने देश के अर्थतंत्र को पांचवें नंबर पर पहुंचाया। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने के लिए। मोदी जी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं, ये लोग आपका वोट मांग रहे हैं अपने कुनबे का भला करने के लिए। मुझे बताओ एक और देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले मोदी जी है, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने वाले मोदी जी है, 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय देने वाले मोदी जी है, 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है, 10 करोड़ गरीब माताओं को उज्ज्वला का सिलेंडर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अब बिहार के करोड़ों लोगों को, अभी अभी मुझे सम्राट चौधरी बता रहे थे 1 करोड़ लोगों को कार्ड बांट दिया 2 महीना में, 1 करोड़ परिवार मतलब 6 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट